हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट ए में डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब हमारा आगे हमारा मेन टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उसके बाद जो मैनेज किया जाता है दोबारा जनसमूह को, तो किसके द्वारा किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करती है कि आपदा के समय जब भी कोई हमके हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो उसके बाद हमारी लाइफ में जितनी भी नुकसान हुआ है उस नुकसान में हमारी सहायता करने के लिए वो पूरी तरह से सहयोग करती है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा, यानी कि आपदा प्रबंधक की तरफ से, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करती है कि वो इस डिजास्टर में जितना भी डैमेज हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए अपनी टर्म में कुछ स्टेप्स इंक्लूड करती है। तो वो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्डनेस बिफोर डिजास्टर, यानी कि आपदा आने से पहले की तैयारी। सेकंड वन इज प्रोटेक्शन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, यानी कि आपदा के समय किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए, यानी कि ऑन द स्पॉट उस टाइम पर क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज टू मेंटेन द सोशल लाइफ आफ्टर डिजास्टर, यानी कि आपदा होने के बाद जो जनजीवन इतना प्रभावित हुआ था उस सोशल लाइफ को दोबारा मेंटेन करना, ठीक है। तो आपदा प्रबंधक का क्या मीनिंग हुआ कि आपदा प्रबंधक क्या करती है कि आपदा के समय जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान में हमारी सहायता उस भारी हानि से हमें बचाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है बच्चे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो हमारे, जैसे कि मैंने बोला कि हमें डिजास्टर के समय बहुत सारी हानियां होती हैं, तो क्या क्या हानि हो सकती है, तो उसमें हमें ये हानि हो सकती है कि जिससे हमारा जनजीवन बहुत प्रभावित होगा, ठीक है, हमारे जान माल की बहुत हानि होगी, लाइफ ऑफ लॉस ऑफ लाइफ होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो ये उसमें हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। सेकेंड जो भी हमें नागरिकों को इतनी फैसिलिटीज दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या हो जाती है, सारी अस्त व्यस्त हो जाती है, ठीक है। और कई बार होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनों से बिछड़ के बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि क्रॉप्स और कैटल्स जो होते हैं, यानी कि जो पकी हुई हमारी फसलें होती हैं, पशु होते हैं, वो फ्लड की वजह से बह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह की जो है आपदाएं हमारे ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो उसमें हमारी इतनी जनजाति प्रभावित होती है जिसकी वजह से हमारा जो डेथ रेशियो है वो बहुत बढ़ जाती है और उसकी वजह से महामारी भी फैल सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक आपदा है। तो उन सभी आपदाओं को सुलझाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भारत में कुछ ऐसे प्रबंधक संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है, तो जो इनको क्या करती हैं कि आपदा के समय उनको सहायता करने के लिए उन्हें कुछ टिप्स दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिया में खोले गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, यानी कि भारत में आपदा प्रबंधक के जो केंद्र खोले गए हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो मैनी इंस्टीट्यूशंस हैव स्टार्टेड कोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कहता है कि जो भारत में बहुत सी संस्थाएं जो हैं वो आपदा प्रबंधक के छोटे से लेकर इंजीनियरिंग तक के कोर्स करवाती हैं और आपदा प्रबंधक के बारे में जानकारी देती रहती है। तो इसके लिए काफी इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ के आपको नहीं बता देती हूँ। फर्स्ट है सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। सेकेंड इज अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि कानपुर में है, ITI और IITI। उसके बाद थर्ड है हमारा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा भी और कई केंद्र हैं जहाँ पर इन आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को जो है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, कि आपदा के समय आप लोगों ने किस तरह से लोगों की सहायता करनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियरली हो गया होगा ये टॉपिक क्लियर। तो बच्चे जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तो आज तो मैंने सिर्फ आप लोगों को इसकी इंट्रोडक्शन दी है चैप्टर की, तो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो मैं कल आपको उसको सॉल्व करके आपको ग्रुप में डाल दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।